नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबरदार न्यूज के माध्यम से पिछले दिनों हमने ग्यारसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स कंचन दीवान के द्वारा 500 रुपये रिश्वत लेने का मामला उजागर किया था और इस खबर का असर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी केसी अहिरवार ने तत्काल प्रभाव से नर्स कंचन अहिरवार को निलंबित कर दिया है और निलंबन की अवधि में उनके मुख्यालय को बसौदा स्थापित किया गया है तथा साथ ही साथ इस दौरान दैनिक निर्वाह भत्ता देने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि खबरदार न्यूज पर पिछले दिनों एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर हमने दिखाया था कि किस तरह से कंचन दीवान के द्वारा प्रसव कराने के एवज में 500 रुपये की रिश्वत ली गई थी और यह खबर कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई और तत्काल प्रभाव से कंचन दीवान को निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, तो अस्पताल में क्या घटना घटी आपके साथ में? जी, मेरी पत्नी का नाम है गोमती बाई, गर्भवती थी, डिलीवरी कराने आई थी। हाँ। मतलब रविवार के दिन दो तारीख को 2 बजे डिलीवरी हुई। हाँ। और मैडम ने 500 रुपये मांगी, हमने 200 रुपये दिए, हमारे पास थे नहीं, मतलब 500 रुपये। हाँ। हमने 200 रुपये उनके लाज दे दिए। नर्स का क्या नाम था? कंचन दीवान सिंह। कौन से हॉस्पिटल में? ग्यारसपुर सरकारी। किसी से कोई शिकायत की क्या आपने? जी अभी नहीं। जन सुनवाई ब्लॉक में की। जन सुनवाई ब्लॉक में भी आपने आवेदन दिया है? जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी बोला कि फोन लगाया था, उन्होंने मैडम को फोन लगा नहीं, वो बोल रहे थे हम फोन लगा के बता देंगे। बीएमओ से जी। निलंबन का आदेश जारी करते हुए कहा गया कि श्रीमती कंचन दीवान स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर जिला विदिशा के द्वारा श्रीमती गोमती बाई प्रसूता महिला के पति श्री राजकुमार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर में प्रसव कराने के एवज में 500 रुपये रिश्वत लेने के लिए दैनिक समाचार के द्वारा वीडियो प्रकाश में आया है, जिसमें प्रथम दृष्टा दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और निलंबन की अवधि में श्रीमती कंचन दीवान स्टाफ नर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर का मुख्यालय जन चिकित्सालय गंज बसौदा रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। जी, तुमने दिए डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए? मतलब वो पूछ रहा है, लिखा तुम दे देती हैं? ऐसा होता है क्या, कोई ने लिख के दिया? पैसा तो नहीं लगा आपने जो पैसा मांग रही? सुनना, हाँ, तेरी जो डिलीवरी हुई ना, एक विदिशा जाती, वो इतना बीपी था, वहाँ वालों ने खदेड़ दिए हैं, दरगढ़ वालों ने। वहाँ पे मैडम नहीं थी, वो ये किया थी, वो नहीं जाँच करने। बीपी तुम्हारा 165 और 100 था, कोई नहीं हाथ रखता। चल अब आप तो पहचान ली मैंने देखो, दूसरी बार आएगा तो याद रखूंगी, ठीक है? लिखित में ले लेना तो, फिर मैं लिख के ही दूंगी, फिर मैं देखो तो कहा कि पैसे चाहिए देखो। काम तो तुमने पूरा करा लिया। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।